अमृतसर के इतिहासिक नगर शेरठा के अर्जुन पट्ठा विखे जिथे एक छाण बुरे की फेरी लगाने वाले व्यक्ति को पहला तो नशेड़ियों के वलों बेरहमी के नाल कतल किया गया और बाद दे विच अपने घर के विच ही उसकी लाश को मिट्टी के विच दब दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के वलों लाश को मिट्टी के विचों कटवा के अपने कब्जे के हेठ लैके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वो रोज जितना आम रूटीन घरों निकले सवेरे साढ़े अठ नौ बजे वो कबाड़ का काम करते जी। अच्छा। तो सवेरे वो आए नौ साढ़े मतलब 8-9 बजे घरों निकले आ शामी 3:30-4 बजे तो टाइम ज़्यादा हो गया सानू तो लगा कि इतना वो आप किसी फोन करके पूछा तो कहते दुकान तेरे जिते समान समून अपना बेचते हैं उत्थे नहीं आए तो उतों पता लगा कि किसी बंद को उत्तर रेहड़ी लगी है रेहड़ी आ के वेखी रेहड़ी और सामने उत्तर प्लाट उत्ते लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी बोलो 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 तो वो वेख के तो आप बाजो पुछ गिछ की तो पता रात भी आप फिरते रहे हूँ इतों आए तो निशान शून लभे खून के अंदरों तो हूँ ये सूँ ये नहीं पता टोए से है की है शक तो वैसे तकरीबन अमली लोग बंदे का ही पता लगन दिया कोई समझदार बंदा तो कर नहीं सकता। हाँ जी पुलिस आ गई मौके से हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। मेरा नाम सरबजीत सिंह हैरी है जी। हाँ जी सर की मामला है सर मामला जी कल रोजी रोटी लिए घरों निकले ताया जी साढ़े तो कल सानू 4 बजे पता लगा भी उन्होंने रेहड़ी जी एक सुनसान जगह पर लगी है तो उस तो बाद जी आप भाल शुरू की क्योंकि 3:30-4 बजे तक घर आ जाते कल घर नहीं आए तो जो इतने आ के रेहड़ी देखी है तो लागे बन्ने कोई नहीं पुछ पड़ताल की है रात के 2 बजे तक लभते रहे नहीं लभे इस कोठी च आए हैं रात को जिहड़ा इहदा बगीचा बनाया जिस मूलियां जां कोई पालक पुलक लाई आ रात नूं पूरी लगा होया सीगा सवेरे जो 6:30 बजे दोबारा आए हाँ जो आ के देखा भी इतने फुट पटाइया होया फिर आप जो पुलिस नूं इतलाह की रात नूं भी इतलाह की आ रात नूं भी पुलिस ने साडा पूरा साथ दिता तो इस वेले भी जो फिर आप सवेरे पुलिस नूं दस्सिया भी इतने फुट पटाइया होया सानूं डाउट है खून दे स्पॉट मिले आ सानूं पग सड़ी मिली आ होर भी काफ़ी जिहड़ियां निशानियां मिलियां भी साडे ताया जी दीआं फिर आप पुलिस ना आन के इतने जो उन्होंने वेरीफिकेशन की तो सानू आप ये अर्जुन नाम का कोई बंदा वा पहला एक वैच काम करता रहा पर हुण नशेड़ी बन चुका जिहदा परिवार भी उन्हें छड्ड के चले गया तो ये सानू शक है भी उन्हें ही कतल किया कि उन्हें तो वो साथियों ने तकरीबन कितनी की उम्र दे 75-80 साल की उम्र है उन्हें ठीक है हुण उन्हें लाश जी है बरामद हो चुकी है लाश बरामद हो गई है तो इस वे जमीन के थले आ तो थोड़ी देर च जिहड़ा इन्हां दा फोरेंसिक डिपार्टमेंट है तो तहसीलदार साहब तो ADCP साहब की जिहड़ी मौजूदगी च उन्हूं पट्टिया जाऊगा। पुलिस वल्लों किस तरह सहयोग मिलदा तुहानूं पुलिस वल्लों पूर्ण तौर पर सहयोग है जी कोई कमी नहीं उन्होंने रात भी साढ़े नाल पूरा काम किया जी इस वे भी सवेर के 6-7 बजे के साढ़े नाल 7 बजे इतने आ के बैठे आ तो पूरा सहयोग अपना स्क्वैड भी मंगाया उन्होंने डॉग स्क्वैड भी आ रहा तो फोरेंसिक टीम भी आ चुकी है तो नाल ADCP साहब तहसीलदार साहब आ गए बाकी प्रशासन तो आप न्याय की मांग करते हैं जी सानू न्याय दिता जाए इस परिवार को न्याय दिता जाए तो जिहड़े दोषी आ तो जिहड़े नशेड़ी आ इस इनवॉल्वमेंट है जिन्हां दी तो इस इलाके जिहड़ा नशे की भरमार आ सारे नू चंगी। हाँ सर जिहड़ा अज इस कोठी दे विच एक बजुर्ग की जिहड़ी लाश है वह दबाई गई है किहदे वल्लों कतल किया गया सर कौन शख्सां ने ये एक बजुर्ग सीगे 75 साल के जगीर सिंह वो कवाड़ की रेहड़ी दे फड़ी तो मतलब बेच के महल्ले चो इकट्ठा करके लोहा लावा खरीदा सीगा इत्थे अमली टाइप एक बंदा अर्जन सिंह रहिंदा आ उन्हें ही मतलब वो पुछगिछ कर रहे हैं वो तो शक आ कि इत्थे जिहड़ी डेड बॉडी आ नपी हो सकती है उहदा जिहड़ा आपसी रंजिश के कारण कुछ हो सकता है नहीं रंजिश नहीं एक्चुअली ये अमली बंदा है इन्हें अपने घर दियाँ जो बूहे चगाठा सारा कुछ इन्हें ला के तुसी देखी इहदी कोठी इन्हें वेच लिया वेच के खा गया इहदा परिवार भी इहनूं छड्ड के चलिया गया जिहड़ी ये कोठी है कोठी इहदी जिहड़े इहदे वाइफ आ उहदे बेटी दे नां ते उह घर आ क्योंकि उन्हूं वेच नहीं सकदा जिहड़ा इहदा जो बल्ब तक भी इन्हें मतलब टूटियां जिहड़ियां विच लगियां हुंदियां जो भी जिहड़ा समान है इन्हें सारा वेच लिया है कमली टाइप आ नशे की टूट दे विच भी ये काम किया लगता है। सर कित्थे लाश मिली जी इन्हां दी लाश अजे उहदी अपने आपां वीडियोग्राफी करके SDM साहब आणगे वो आपां कार्रवाई अजे कर रहे हैं। थैंक यू।